वकेशंस में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो वकेशन में मस्ती की जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जाए, बेवकूफ है ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग। जी हाँ, अगर समर वेकेशन में 2 महीने आप घर में रहते हो तो अगर आपकी ये मेंटेलिटी है, ये सोच है कि समर वेकेशन में कोई पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मस्ती करनी है, तो आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। जी हाँ, समर वेकेशन में जिस तरह से स्टडी करनी चाहिए ना, वो और कहीं भी नहीं की जा सकती। तो उसके लिए आपको जरूरत है एक बेस्ट स्ट्रेटेजी की, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बड़े अच्छे होंगे और अपने जेके बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन बड़े अच्छे वे में कर रहे होंगे। तो आपकी जेके बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन को और आसान बनाने के लिए मैं गरम महाजन ले आया हूं आज की ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 10th समर वेकेशन स्ट्रेटेजी की। क्या कि जो आपको समर वेकेशन पड़ी है, इसको किस तरह से बेटर वे में यूटिलाइज करके आप इसका फायदा ले सकते हैं और स्ट्रेटेजी एक अच्छी अपना सकते हैं, जिससे आपका क्लास 10th का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप मैक्सिमम टाइम अपना रिविजन में दे सकें। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप मतलब मस्ती भी कर सकते हो समर वेकेशन में और बेस्ट स्टडी भी कर सकते हो। तो वीडियो बड़े ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन। अपने जीके बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए आपने एकदम सही चैनल को क्लिक किया है, कॉम्बाइन एजुकेशन को। तो भाई वेकेशन में ना 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ बुक वॉर्म बन के रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही उलझे रहते हैं। दूसरी तरह के स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही करते हैं, बुक से कोसों दूर रहते हैं, मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं होता अपनी बुक्स के साथ। और तीसरे वाले जो मैनेज करते हैं स्टडी और अपने फंड को। तो आपको किस तरह से बनना है? पहला बिल्कुल भी नहीं, दूसरी तरह का बिल्कुल भी नहीं, बनना है तो तीसरी तरह का बनना है, जो बेटर वे में अपने फंड और बेटर वे में अपनी स्टडी को मैनेज कर सके। समझ में आगे बात? ये पहले 2 का जीवन बेकार रहने वाला है, जो बुक फॉर्म है उसका भी और जो बुक से कोसों दूर है उसका भी। समझ में आगे बात? बढ़ना है तो थर्ड पर्सन की तरह, जो थर्ड स्टूडेंट है इसकी तरह, जो बेटर वे में फंड और स्टडी को मैनेज कर सके, मैनेजमेंट करना सीख सके। तो मैनेज करने के लिए आपको टोटल 5 स्किल्स की जरूरत है, 5 स्टेप्स की जरूरत है। वो 5 स्टेप्स मैं आपके सामने 1 by 1 आपके सामने ही एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा उन स्टेप्स के फायदे। दोस्तों अब मैं आपको जो स्टेप्स बताने जा रहा हूं, इन स्टेप्स की हेडिंग आप किसी एक रफ नोटबुक में लिख लो और इसको अपनी समर वेकेशन में फॉलो करके देखना। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई तो आप मेरे को समर वेकेशन के बाद कमेंट कर देना कि भाई मैंने ये सारे स्टेप फॉलो किए लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने ही नहीं आ रहा। मैं आपको जो स्टेप देने जा रहा हूँ ना, ये स्टेप अगर आपने फॉलो किए तो जब समर वेकेशन के बाद आप अपने स्कूल में जाओगे ना, शाइनिंग स्टूडेंट बन के जाओगे। जी हाँ, जिसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, जिसको 7 मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी और कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे होगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको पता होगी। तो स्टेप नंबर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की जर्नी में। जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस, हिंदी, नो मैटर कौन सा है, जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस समझो। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, उनको अंडरस्टैंड करो। कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करने में लगा है, पहला चैप्टर कंप्लीट, दूसरे दिन में 2 चैप्टर और कंप्लीट, तीसरे दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट, लास्ट में पता चलता है ये 4 चैप्टर तूने एक दिन में कंप्लीट किए वो तो सिलेबस में है ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है स्टडी से भी जिसको ऊपर मैं देखता हूँ, वो आता है सिलेबस को समझना। क्योंकि अगर सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है, सिलेबस की नॉलेज है ना, तो आप अपने जो सिलेबस अगर आपको पता है तो चुटकियों में खत्म कर सकती हो, मतलब बस उन्हीं टॉपिक्स को तो प्रिपेयर करने। अगर आपके पास है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बुक है उसके लगभग 20 चैप्टर है,
आपने एक महीना लगाया और उस 20 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, बाद में आपके किसी दोस्त ने बताया और भाई प्रेपरेशन कैसी चल रही है, आपने बताया बहुत बढ़िया जो 20 चैप्टर थे मैंने तो एक महीने में कंप्लीट कर लिए, इतनी मेहनत की मैंने, आपका दोस्त कहेगा यार तू वो ही है, मतलब तूने सिलेबस देखा नहीं, उसमें से 10 जो है वो तो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, डिलीटेड चैप्टर्स हैं। फिर वो पहले वाला बंदा परेशान होके बैठ जाएगा, वो कहेगा एक महीना वेस्ट। तो इसी तरह से सिलेबस समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो सिलेबस को कंप्लीट करने का वे आप खुद ब खुद फाइंड कर लोगे। पहली स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, सिलेबस को समझो। सिलेबस को किस तरह से समझने आप चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, कौन सा चैप्टर डिलीट है, कौन सा टॉपिक डिलीट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स में है, कौन सा टॉपिक ज्यादा मार्क्स में है, किसको कम फोकस करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। स्पेशल सीरीज 2025 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस और 2025 बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन देके ये पता लगा सको कि आपका सिलेबस क्या है। समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी की। तो दूसरी स्ट्रेटेजी बोलती है ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। अब सिलेबस आपने पता लगा लिया, मतलब आपने ये चीजें फाइंड आउट कर ली कि ये चैप्टर मेरे को आएगा, ये चैप्टर मेरा नहीं आएगा, ये टॉपिक जो है वो ज्यादा मार्क्स में आएगा, ये टॉपिक मेरे को कम मार्क्स में आएगा। लेकिन ये सारी नॉलेज अधूरी है अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता। एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं? जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे और आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उस क्वेश्चन पेपर में चीजें आई होंगी, क्वेश्चन आए होंगे, वेरी शॉर्ट आए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए होंगे। लेकिन सोचो अगर आपको पहले ही पता हो कि मेरे को बोर्ड एग्जाम में कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उनमें चॉइस आएगी या नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, कितने कितने वर्ड्स में लिखने हैं, चॉइस आएगी या नहीं, लॉन्ग आंसर कितने आएंगे और क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारी चीजें होती है पेपर पैटर्न। तो अगर आपके पास इसकी नॉलेज है ना तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में शाइन कर पाओगे। अगर इसकी नॉलेज नहीं है फिर चाहे आपने सिलेबस समझा हो, सिलेबस की प्रेपरेशन की हो, रिविजन की हो 15-20 बार, कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न को समझना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम में बेटर स्कोर गेन करने में। क्योंकि जिस स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट्स की चाहे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसको पता है कि कितने मार्क्स का आएगा, मैंने पहले कौन सी चीज अटेम्प्ट करनी है और क्या क्या चीजें आएंगी और किस तरह से उसको बनाना है, तो वो स्टूडेंट शाइन करके रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पीछे रह जाएगा जिसके पास कॉन्सेप्ट की भरपूर जानकारी है। जी हाँ, ऐसा ही होगा। तो एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में ना आपके एग्जाम पैटर्न पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी गेन की थी नॉलेज, उन्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी पेपर पैटर्न हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो वीडियोज है ना वो इस चैनल पे अपलोड होगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि बड़े ही इजी लैंग्वेज में आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा मैं, कि किस तरह से आपको आंसर बनाने हैं, किस तरह से चीजें आएंगी, ये सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है मोर मार्क्स चैप्टर। जितने भी आपने सिलेबस समझा, आपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस समझ लिया, भाई मान के चलो, इमेजिनेशन करके चलो कि आपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस समझ लिया, उसमें से ये फाइंड आउट करो कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर कौन सा है। जैसे मान लो एक चैप्टर है वो 8 मार्क्स में आपको आएगा और उसी बुक का एक चैप्टर है जो आपको 2 मार्क्स में आएगा, तो फोकस करो वो 8 मार्क्स वाला जो चैप्टर है ना उसको जल्दी से कंप्लीट करने की। जी हाँ, जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर है उनको ज्यादा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर वो ज्यादा मार्क्स वाले हैं ना एग्जाम में उसी चैप्टर से ज्यादा चीजें आएंगी। अगर 8 मार्क्स वाला चैप्टर है उसमें आपको भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आएंगे, लॉन्ग आंसर नहीं आए तो वेरी शॉर्ट आंसर, ये सारी चीजें आपको उस चैप्टर से आएगी।
और अगर कोई 2 मार्क्स वाला चैप्टर है उसका तो बताएगा, जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जहाँ कोई वेरी शॉर्ट आएगा, तो जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर है ना उनको ज्यादा फोकस करो, उनपे ज्यादा फोकस रखो। ये जो समर वेकेशन है इनमें फाइंड करो कि आपकी बुक के मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर कौन से हैं और उनको अपने लेवल पे यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि जब स्कूल जाओ ना आप समर वेकेशन के बाद और आपका टीचर आपको वो चीज़ें समझाने लगे और आप भी आंसर दे सको, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाए। जी हाँ, जब आप टीचर को आंसर दोगे क्वेश्चंस का तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी भी अच्छी है आपकी समर वेकेशन को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए। फोर्थ स्ट्रेटेजी, स्टडी मटेरियल रेलिवेंट टू बोर्ड एग्जाम। अब कई सारे स्टूडेंट का ये सवाल आएगा, सर सिलेबस समझ लिया, पैटर्न समझ लिया, ये चीज देख ली कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, लेकिन आप ये एक चीज बता दो कि ये सारी चीजें हम पढ़े कहाँ से? क्या कोई गाइड ले लें, क्या कोई मतलब नोट्स ले लें अलग अलग वेबसाइट से? तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये सारी चीजें करने के बजाय ना आप बोर्ड एग्जाम के रेलिवेंट जो नोट्स हैं उसको फाइंड आउट करो। जी हाँ, करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम के रेलिवेंट, जैसे प्रीवियस ईयर, जैसे मैं आपने एक चीज बताता हूँ, मेरे पास जो नोट्स है ना आपकी बोर्ड क्लास के, वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया, मॉडल पेपर को एनालिसिस किया और हर एक चैप्टर के नोट्स तैयार। अगर आप भी उसको गेन करना चाहते हो ना तो मेरे इंस्टाग्राम पेज कंबाइन एजुकेशन पे मैसेज जरूर कर देना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ, उसमें आपको क्या चीज़ें फाइंड आउट होगी, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी आपके चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं उनके नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगी और हर दिन बेस्ट ऑफर भी चलेगा, किसी के साथ कुछ चीज़ें फ्री, तो ये सारा कुछ आपको बड़े ही लेस प्राइस में मिलेगा। अगर आप सोचो कि इसके लिए हमें हजारों रुपीस खर्च करने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहीं पे गाइड ली, कोई और चीजें ली, उसमें आपका जो मनी है वो ज्यादा वेस्ट होती है। अगर ये चीज आपने ली तो मेरे इंस्टाग्राम पेज कंबाइन एजुकेशन पे DM जरूर करना और इंक्वायरी ले सकते हो। तो दोस्तों अब आती है लास्ट स्ट्रेटेजी है रिविजन। आप सिलेबस समझ लो, पैटर्न समझ लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं वो समझ लो, स्टडी मटेरियल ले लो, लेकिन रिवीजन नहीं की तो ये सारी चीज़ें वेस्ट चली जाएगी, इनका कोई मतलब भी नहीं रहेगा, क्यों? रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आपने मान लो स्टडी मटेरियल ले भी लिया और उसको पढ़ा ही नहीं, उसको रिवाइज ही नहीं किया, फिर क्या फ़ायदा होगा? आपने पेपर पैटर्न समझ भी लिया, उसके अकॉर्डिंग अपना रफ पेपर ही नहीं डाला, क्या फायदा होगा? तो रिवीजन करनी ही करनी है। जो आप मोस्ट मार्क्स वाले चैप्टर पढ़ोगे ना, कंप्लीट करोगे, उनकी रिवीजन करते जाओ, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी रिवीजन करते जाओ और एक रफ पेपर तैयार करते जाओ। अगर कंबाइंड एजुकेशन पे आप स्टडी मटेरियल लेते हो तो मैं आपको रफ पेपर भी, जिस तरह से आपका पेपर पैटर्न आएगा, जिस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उस तरह से पेपर भी आपको फ्रेम करके मिलेंगे। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या 3 घंटे में मैं एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाता हूँ। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ स्ट्रेटेजी जिनको आप समर वेकेशन में यूज करके अपनी समर वेकेशन का बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, और जब आप समर वेकेशन के बाद स्कूल में जाओगे तो उसको बेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे पहुंचा होगा और आपका सिलेबस जो है वो मैक्सिमम कंप्लीट हुआ होगा और आप रिवीजन करोगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में शाइन कर सको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो कॉम्बाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें।